कहते हैं वर्गक। वर्गक मतलब टैक्सॉन, और इसका बहुवचन है टैक्सा। अब पहले हम अपनी श्रेणियां लिखते हैं फटाफट। जगत, विभाग या विभाग को प्रभाग भी कह सकते हैं, या संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। एक बार हम इसमें किसी भी एक जीव का वर्गीकरण लिख लेते हैं, मनुष्य का ही मान लो। जगत जंतु, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण प्राइमेटा, कुल होमिनिडी, वंश होमो, और जाति सैपियंस। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 हमें दिखाई दे रही हैं, ये हैं वर्गीकीय श्रेणियाँ, अर्थात टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, या इनको रैंक भी कहते हैं, RANK रैंक। तो जगत भी एक रैंक है, जाति भी एक रैंक है, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश। इन सभी श्रेणियों में जो सबसे निम्नतम श्रेणी मतलब लोएस्ट कैटेगरी है वो है जाति, और जो सबसे उच्चतम या हाईएस्ट कैटेगरी है वो है जगत। जो इन श्रेणियों के उत्तर होते हैं, जैसे जगत का जंतु, प्रभाग का कॉर्डेटा, वर्ग का मैमेलिया, गण का प्राइमेटा, कुल का होमिनिडी, वंश का होमो और जाति का सेपियंस, इन सबको हम कहते हैं वर्गक। वर्गक अर्थात टैक्सॉन। तो जंतु एक टैक्सॉन है, कॉर्डेटा भी टैक्सॉन है, मैमेलिया भी टैक्सॉन है, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो और सैपियंस। इसका मतलब है प्रत्येक वर्गीकीय श्रेणी पर समान लक्षण दर्शाने वाले जीवों को हम वर्गक कहते हैं। वर्गक वर्गीकरण का आधारीय आधार है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे उदाहरण नंबर 1, इंसेक्टा एक वर्गक है जो उन सभी जीवों को प्रदर्शित करता है जिसमें 3 जोड़े संयुक्त पैर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उड़न पेशियां पाई जाती हैं, और ज़्यादातर में संयुक्त आँखें मतलब कंपाउंड आइज उपस्थित होते हैं। दूसरा उदाहरण पक्षी माने एव्स, AVES, ये भी एक वर्गक है जो उन जीवों को प्रदर्शित करता है जिनमें खोखली अस्थियां या हड्डियां, पंख, उड़ने वाली पेशियां, चोंच आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। तो ये है वर्गक।